हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर एकेडमी फिरोजाबाद में। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट नंबर टू। इससे पहले प्रैक्टिस सेट वन हम करा चुके हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर टू का। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से सीरीज जा रही है ये कहां तक, 1000 तक, और इसे 8 से डिवाइड किया गया है। इसमें शेषफल पूछा गया है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 1 मतलब कि 2 होती है। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 = 1 मतलब कि ये 6। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 × 3 = 2 = 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 24। कहने का मतलब यह है कि फैक्टोरियल लगा है तो जितनी भी संख्या लिखी है फैक्टोरियल के साथ में, उससे पीछे की साइड में 1 तक लेके जाएंगे, और वो भी गुणा करते हुए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 का भाग दिया गया है इस सीरीज में, तो शेषफल बताइए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फैक्टोरियल फॉर्म है 4 × 8, 4 और 2 का गुणा हो रहा है, 4 और 2 ये दोनों गुणा में मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो 5 4 3 2 1, यहां पे भी 4 और 2 मिल रहे हैं, मतलब 4 × 8, और 8 में पूरी तरीके से 8 का भाग चला जाता है। इसी तरीके से 4 में मिल रहे हैं 4 और 2, इससे और ऊपर जाएंगे 6 में तो वहां पे भी 4 और 2 मिलेगा, 1000 में जाएंगे तो 1000 में भी 4 और 2 मिलेगा। जहां पे भी 4 और 2 मिलेंगे मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है। बचा क्या हमारे पास, बचा ये फैक्टोरियल 3 तक की वैल्यू, तो इनको ऐड कर लो, 6 और 2 8 और 1 9, 9 में भाग दे दो 8 का। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से लेके ऊपर की जितनी भी नंबर्स हैं उन सभी में 8 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो इससे 8 से भाग दिया 9 में, तो कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 1। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से कितने अंक हैं, अंक की बात कर रहा है यहाँ पे, ये 41 अंक। मतलब कि हम बात करें ये 6 7 9 तक सीरीज चली, फिर 10 11 12, इस तरीके से इनमें कितने कितने अंक आ गए, 2 अंक, 1 और 0, इसमें 1 और 1 मतलब 2 अंक, इससे 10 से ऊपर की जितनी भी संख्या उनमें सभी में 2 अंक है, तो ये सभी टोटल अंक 41 अंक होने चाहिए, और 8 से इसमें भाग दिया गया है, तो शेषफल क्या बचेगा हमारा, तो देख लेते हैं। 1 से लेके 9 तक कितने अंक हो गए, 9 अंक, और ये संख्याएं भी कितनी होगी, 9 संख्याएं। क्यों, क्योंकि ये सभी एक एक अंक वाली संख्याएं हैं, तो ये कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए, 9 अंक और 9 ही संख्या हो गई, 9 संख्या। एक से लेके 9 तक कितनी संख्या बन गई, 9 संख्याएं बन गई हमारी, ठीक है। अब 10 से लेके 41 तक देख लेते हैं, तो कितने अंक हो गए, 10 से लेके 41 तक कितने अंक बचे हैं, अब 9 तो हमने पहले ले लिए हैं, तो 41 में से 9 घटाए तो कितने बचे, 32, मतलब कि ये कितने अंक हैं, 32 अंक। कितने अंक हैं ये, 10 से लेके 41 तक 32 अंक, और ये सभी 32 अंक हैं, यहां से लेके 41 अंक तक संख्या कितने अंकों वाली है, सभी 2 2 अंक वाली संख्याएं हैं, सभी क्या हैं, 2 2 अंक वाली संख्याएं हैं, तो इनको संख्या बनाने के लिए 2 से भाग दे दो, तो कितना हो गया ये, 16 संख्याएं।
सोलह संख्याएं, सोलह संख्याएं 10 से लेके 41 अंक तक मिल गई और 1 से लेके 9 तक हमें 9 संख्या मिल गई, वो सभी क्या थी, एक एक अंक वाली संख्याएं थी। इनको कर लिया ऐड हमने, 9 और 16 कितने हो गए 25, 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 से पहले संख्या कौन सी आ रही होगी 24, 24 से पहले 23, 23 से पहले 22, इस तरीके से एक तक लौट के आए तो ये टोटल अंक कितने हो जाते हैं 41 अंक, मतलब कि 25 संख्या तक 41 अंक हो जाते हैं। तो हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, क्या होता है लास्ट के 3 अंकों में भाग या तो पूरी तरीके से चला जाए या 2 बच रहा है वो रिमाइंडर हो जाए। तो 8 का भाग दिया 40 में, 8 पन 40, 2 इधर आए, 8 3 24, बचा क्या एक रिमाइंडर, बचा क्या एक रिमाइंडर, यही हमारा क्या है आंसर। नोट कर लें इसे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एक शेषफल है इसका, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है 42, तो इसे ए और बी मान लो, कितना है ये 42, दूसरी और तीसरी मतलब कि इसे बी और सी मान लो, कितना है ये 56, तीसरी और पहली इसे सी और ए मान लो, ये कितना हो गया 48। हमने जैसा क्वेश्चन में बोला उसी तरीके से हमने ये नोट कर लिया। अब इनका आपस में गुणा कर दो, इधर वाली संख्याओं को इधर वाली संख्याओं में, इधर वाली संख्याओं को इधर वाली संख्याओं में, तो ये क्या हो गया, एक ए ये रही, एक ये रही, तो ये ए स्क्वायर गुणा, इसी तरीके से एक बी और एक बी, ये बी स्क्वायर क्योंकि गुणा कर रहे हैं, एक सी इधर एक सी इधर, तो ये सी स्क्वायर, इसी तरीके से इधर गुणा करेंगे ये 42 गुणा 56 गुणा 48, इसके फैक्टर किए तो ये 6 और 7, 6 और 7 42, इसी तरीके से इसके फैक्टर किए तो 7 और 8, 7 8 56, इसके फैक्टर किए तो 8 और 7, 8 और 6 8 6 48, इन सभी के क्या कर लिए हमने फैक्टर कर लिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार 6 यहाँ पे मिल रहा है, एक बार 6 यहाँ पे मिल रहा है, एक बोल सकते हैं ये 6 स्क्वायर, एक बार 7 यहाँ मिल रहा है, एक बार 7 यहाँ मिल रहा है 7 स्क्वायर, एक 8 2 8 मतलब ये 8 स्क्वायर, तो बोल सकते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारी 6, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सी बराबर आ गया हमारा 8, और यही क्या है हमारा आंसर है। तीसरी संख्या पूछी थी, दूसरी पूछता तो 7 और पहली तो 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा, व्युत्क्रमों का योग पूछा, मतलब उल्टा करके योग पूछा है। 2 संख्या मान ली हमने, कौन कौन सी, x मान ली और y मान ली, इन दोनों का योगफल दिया उसने कितना 16, तथा गुणनफल भी दिया इन दोनों का, मतलब कि x और y का गुणनफल कितना दिया है हमें 55। क्वेश्चन में बोला उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, मतलब इनके व्युत्क्रम, मतलब उल्टा करने के बाद योग कितना आएगा, तो व्युत्क्रम करने के बाद 1/x हो जाएगा ये x, प्लस 1/y हो जाएगा ये y, ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया एक्स वाई, ऊपर y पहुंच गया और इधर ये x पहुंच गया, y प्लस x की वैल्यू कितनी दी है उसने 16, प्लस में संख्या आगे हो या पीछे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ x प्लस वाई है उसका मान दिया है हमें 16, यहाँ y प्लस x है मतलब पलट दिया है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी इसका मान कितना आ गया 16,
एक्स वाई का मान कितना है हमारा 55, तो एक्स वाई का मान आ गया 55। तो यही क्या है व्युत्क्रमों का योग है 16/55। नोट कर लें इसे 16/55 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7/81 7/82 7/83 को पूरी तरह विभाजित करेगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है 7/81 प्लस 7/82 प्लस 7/83 को पूरी तरीके से इनमें से कौन सी संख्या विभाजित करेगी। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले इन्हें एक फॉर्मेट में बना लें। हम ऐसा कर लेते हैं कि 7/80 को क्या करते हैं बाहर ले आते हैं, 7/80 है उसको हमने इन तीनों संख्या में से क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 7/1 बचा क्योंकि 80 तो बाहर ही निकाल लिए, तो अब 7/1 बचा क्योंकि यहाँ पे 81 थी। इसी तरीके से यहाँ पे 7/2 बचा, इसी तरीके से यहाँ पे 7/3 बचा। अब इनको ऐड कर लो, 7/1 का मान 7, ये 49 और 7/3 हो तो उसका मान होता 343। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 12 और 7 19, 19 की 9 एक बचा, 4 4 8 और 1 9 और ये 3 बचा 3, मतलब कि 399 ऑप्शन में ए, 399 ऐसी संख्या है जो इसे पूरी तरीके से विभाजित करेगी। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30/5 गुणा 24/5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या याद कीजिए। यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 30/5 गुणा 24/5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या याद कीजिए। तो 30/5 है और 24/5 है, क्या 30 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं? 2 × 3 × 6 × 6 = 30, ये हो गया 30। 2 × 3 × 5 × 6 × 6 = 30, इसके पूरे पे पावर कितनी है 5, गुणा का साइन लगा है, गुणा का साइन लगा दिया। इसी तरीके से इसे तोड़ लो, इसका क्या होता है 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, मतलब कि 2 × 2 = 2, ये तो हो गया 8 × 3 और इसके भी पावर क्या है 5। अब इसे अलग अलग घात में बांट लो, ये 2/5 गुणा 2/5 गुणा 5/5, यहाँ पे 3 है, ये 3/5 गुणा ये 1 2 और 3, 2/3 हो गई और ऊपर 5 लगी है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/15 गुणा और 3/5, समझ में आया, 1 2 3। 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, मतलब 2/3 लिखते हैं, और 2 पावर 3 पे भी 5 और लगी, तो 5 3 15। अब इनको ऐड कर लो, 15 और 5 20, 15 और 5 20, अभी 2 और है, हाँ 15 और 5 20, 20 और 15 35, घात को ऐड कर लो, जो ये घात बची हुई हैं इनको ऐड कर लो, वही हमारे क्या है अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे। 5 5 10 5 15 15 15 30 और 5 35, 35 ही क्या है हमारा राइट आंसर है, मतलब 35 के क्या है इसमें अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8/2
के प्लस पांच बगा टू के का एक गुणक ज्ञात करें जहां के एक विषम संख्या है, जहां के क्या है, के की जगह कोई विषम संख्या है, तो हम मान के चलते हैं के की जगह कोई विषम संख्या लेते हैं। विषम संख्या क्या होते हैं, एक दो तीन, ये सभी क्या है, आगे चलती जा रही है, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। के बराबर एक ले सकते हैं, के बराबर तीन ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, के बराबर एक लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आठ पे घात कितनी है, दो, और के की जगह रख दिया वन, प्लस पांच पे घात दो और के की जगह रख दिया वन, ये कितना हो गया, आठ पे पावर दो प्लस पांच पे दो, ये कितना हो गया, चौसठ प्लस ये हो गया पच्चीस, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पांच और चार नौ, छह और दो आठ, 89 इसका एक गुणक है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन में दिया 89। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो चाहे जीएस की हो चाहे मैथमेटिक्स की हो आए तो वो सबसे पहले आपको नजर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग एक बट्टे सात है, मतलब अंक क्या है हमारे एक्स और वाई, ये क्या है दहाई का अंक और ये क्या है इकाई का अंक, एक्स दहाई का अंक है वाई इकाई का अंक है, और दो अंकों की संख्या कैसे बनती है, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई अंकों का जोड़ संख्या का एक बट्टे सात है, मतलब ये संख्या का क्या है एक बट्टे सात, क्या अंकों का योग एक्स प्लस वाई है वो इसका एक बट्टे सात है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया टेन एक्स प्लस वाई, जैसा का तैसा ही रहेगा, ये सेवन का क्रॉस मल्टीप्लाई उधर किया तो ये हो गया सेवन एक्स प्लस सेवन वाई, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया टेन एक्स माइनस सेवन एक्स, इधर प्लस वाई है और इसको इधर लेके आए तो माइनस सेवन वाई, उधर बचा क्या जीरो, इसमें ऐसे इसे घटाए तो ये हो गया थ्री एक्स और ये बचा माइनस के सिक्स वाई इक्वल जीरो, ये तो आगे हमारी इक्वेशन। आगे क्या बोला है, इकाई अंक दहाई के अंक से चार कम है, मतलब कि ये है वो चार कम, ये है चार ज्यादा है किससे, इकाई के अंक से, क्वेश्चन में बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक से, दहाई के अंक से मतलब एक्स में से यदि वाई घटाएंगे तो कितना बच रहा है चार, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या ये थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल जीरो, इसमें से किसी एक को हटाना है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो हम एक्स हटाते हैं तो इसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में क्या करें थ्री का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा थ्री एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल ट्वेल्व, साइन को परिवर्तित करेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल, माइनस सिक्स में से माइनस थ्री जाएंगे तो माइनस के थ्री वाई इक्वल माइनस के ट्वेल्व, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा ये, और थ्री से ये ट्वेल्व, तो वाई इक्वल कितना आ गया, ये वाई इक्वल आ गया हमारा फोर, वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर आ गया ये हमारा चार, वाई बराबर चार आ गया, तो वाई बराबर चार आ गया तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, ये जो इक्वेशन मानी थी हमने वाई की जगह चार रखेंगे तो चार उधर जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आठ और वाई बराबर आ जाएगा चार। अब यहां से क्या बोला है क्वेश्चन में, लास्ट में बोला है यदि इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को सात से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये जो संख्या बन गई, ये संख्या क्या बन गई चौरासी, दहाई का अंक है एक्स आठ रख दिया, इकाई का अंक है वाई तो वहां पे चार रख दिया, चौरासी बन गई, इसके अंकों को पलटने पर
मतलब कि 84 को कर लिया हमने 48, इसको 7 से भाग दिया तो 7 छिंग 42, मतलब कि 6 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया, 6 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया, नोट कर लें इसे, 7 छिंग 42 बचे कितने 6, 6 ही क्या है हमारा शेष फल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 आता है, पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए, किससे 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा भी अगर दिमाग का हिस्सा ओनली 0.1% भी यूज करेंगे तो भी समझ जाएंगे कि तो वो संख्या कितनी होगी 10, 10 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 शेषफल आएगा, एन को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 आता है, जब भी इस टाइप से दिया जाए तो एन है हमारे पास इससे 7 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो ये नीचे वाली संख्या से इसे जोड़ दें तो एन निकल के आ जाता है, एन बराबर क्या हो गया हमारा 10। आगे क्या बोल रहा है, जब 5n को 5n की जगह रख दो 10, मतलब कि 50 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 7 से भाग देंगे तो इसमें क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, क्या आ गया, एक रिमाइंडर आ गया, नोट कर लें इसे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंक 307 में से प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग करके, ये जो 3 अंक हैं इनका प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करके बनने वाली सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग बताएं, 3 अंकों वाली संख्याओं का योग बताएं, जब भी आपको अंक दिए हों और हमें पता करना है कि इनसे बनेंगी कितनी संख्या तो फैक्टोरियल लगा दें, 3 अंक हैं तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3, 2, 1, मतलब कि 6, मतलब कि क्या हो गया ये 6, तो हम बोल सकते हैं टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी इन तीनों अंकों से, 6 संख्याएं, कौन कौन सी बनेंगी, 2 बार 3 आगे आएगा, 2 बार 3 आगे आएगा, 2 बार 0 आगे आएगा और 2 बार ही 7 आगे आएगा, ठीक है, 2 2 बार आएंगे, 3 अंक हैं, 2 2 बार आगे आएंगे अंक, ठीक है, 3 वाली अंकों से कौन कौन सी संख्या बननी है, तो 1 बार 0 आगे लगा दो, 1 बार पीछे लगा दो, ये बन गई, इसी तरीके से 0 तो पहले ही लगा हुआ है तो 7 और 3 बचा तो 7 और 3 और इधर कर लो 3 और 7, इसी तरीके से 7 यहाँ पे लगा हुआ है अब बचा क्या 0 और 3, तो 1 बार 0 और 3 और 1 बार 3 और 0, यह संख्या बन गई। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है 3 अंकों की संख्याओं का योग बताना है, इसमें गौर से देखें तो ये क्या तीनों, ये 3 अंकों की संख्याएं हैं सभी, तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, ये जो संख्याएं हैं ये 3 अंकों की संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनके आगे 0 लगा हुआ है और जिस संख्या के आगे 0 लग जाता है वहां पे 0 काउंट नहीं होता है, तो ये सिर्फ 73 है और ये सिर्फ 37 है, तो ये 0 लगा हुआ है तो ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या है, तो इनको ऐड नहीं करेंगे और इनको ऐड करेंगे 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, 3 और 3 6, 7 7 14 और ये 21, मतलब 21 10 आपका क्या हो गया 3 अंकों की संख्याओं का योग हो गया, नोट कर लें इसे, 21 10 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।